जो पेट्स पाले हुए लोगों ने घरों में, तो बड़े बड़े महंगे कुत्ते पाले हुए, उनको खाना पीना सब दे रहे हैं, लेकिन जो स्ट्रीट एनिमल्स है उसको खाना नहीं पूछते, उसको दवाई नहीं पूछते उसको, इसलिए कि मेरे ख्याल में शायद वो गरीब कुत्ता है, इनके पास अमीर कुत्ता है, ये गलत है। वन मैंने एम्बुलेंस मैंने स्टार्ट की, यूँ स्टार्ट की कि मैंने जब एक वुंडेड कोई भी बिल्ली कुत्ता मैंने जाते हुए देखा, तो फिर मैं आगे गया, फिर मैं क्या इसको, इसकी तो हमसे पूछ होगी, तो अल्लाह हमें दिखा रहे और हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, तो हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, हमें इसको रेस्क्यू करना चाहिए, हमें इसकी तकलीफ दूर करनी चाहिए, क्योंकि ये सदके जा रही है, हमसे पूछ होगी कि आपने एक चीज़ देखी तो आपने इसकी, वो तो बेजुबान है लेकिन हम तो आवाज़ वाले हैं, हम हमारे पेट में दर्द हो, सर में दर्द हो, हमें कोई तकलीफ हो तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, या हम कह सकते हैं, लेकिन बेजुबान कह नहीं सकता। मैं लोगों की भी मदद करता हूँ, लेकिन मैंने एनिमल्स को देखा कि इनको कोई पूछ नहीं रहा, उस तरह से नहीं पूछ रहा, दाना पानी सब कर दे रहे हैं लेकिन उनकी तकलीफ़ दूर नहीं कर रहे हैं, उनकी परेशानी, उनकी तकलीफ, उनको रेस्क्यू, उनको कोई चीज़ ऑपरेट, उनके कोई ऑपरेट करना, हंग्री स्ट्रीट एनिमल्स को फूड सप्लाई करना। मैं जो अपने काम से निकलता हूँ तो मुझे ऑन स्पॉट यानी कि कोई चीज़ नज़र आ जाती है तो मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ, और अगर कोई वुंडेड या ज़ख्मी कुत्ता बिल्ली कोई भी चीज़ चील नज़र आती है तो फिर मैं उसको पॉइंट आउट कर लेता हूँ कि यहाँ पे, फिर मैं उसको रेस्क्यू करता हूँ। खाना जो फूड सप्लाई करता हूँ मैं रात में करता हूँ, ये सब जानवर जो है रात को ही निकलते हैं, क्योंकि ये एक तो डर के मारे लोग मारते हैं, पत्थर मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये बेचारे छुपे रहते हैं, रात को फिर ये लोग सुकून में आते हैं और बाहर निकलते हैं, वो मेरा बेस्ट टाइम होता है रात को 10 से 12 बजे 2 बजे तक इनको फूड सप्लाई करना। डोनेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ी, आगे पड़ेगी, क्योंकि जब काम बढ़ेगा तो पड़ेगी। मैंने जिस तरह करता हूँ कि देखिए ये लेफ्ट ओवर है, अब लेफ्ट ओवर में भी मैं शादी में जा रहा हूँ, कहीं फंक्शन में जा रहा हूँ, मैं अपनी फैमिलीज़ में जा रहा हूँ, उनको पता है कि लेफ्ट ओवर मुझे देना है, और बाज़ लोग फ़ोन करके भी बुलाते हैं कि जी लेफ्ट ओवर ले जाएँ, क्योंकि उनको पता है कि मैं लेफ्ट ओवर देता हूँ। दूसरा ये कि देखिए मैंने नेस्ट, ये जो बर्ड्स के नेस्ट ये हम लगा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, परिंदों के लिए, बर्ड्स के लिए आशियाना बना रहे हैं, ताकि हमारे लवाइकिन जो मरहूमिन हैं उनके घर जन्नत में बने, तो ये लोग, आप लोग अपने मरहूमिन के नाम से, कोई बीमार है उसके नाम से सदका भी कर सकते हैं, पॉट हमसे पानी के पॉट्स लगवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और फ्री ऑफ कॉस्ट नेस्ट लगवा सकते हैं, आप हमें बोलेंगे, हमारी फ्री सर्विसेज है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सदका। बोर्ड मेरा पीछे लगा होता है, ये है तबलीग, ये अवेयरनेस है, तबलीग है, मैं जा रहा हूँ, लोग पीछे से देख रहे हैं, उसकी फ़ोटो खींच रहे हैं, नंबर ले रहे हैं, फिर अपने कहीं पे दे दूँगी, अचानक जहन में आता है यार वन मैन एम्बुलेंस को फ़ोन करूँ, वो कॉल करते हैं, हम जाके उसको रेस्क्यू करते हैं। रेस्क्यू के मुझे, मैं बर्ड्स वगैरह पालता था, मेरे फूड सप्लाई भी है, तो एनिमल्स से मुझे लगाव है, शौक है, तो मुझे यानी खुद ही सब सीख जाता है बंदा, खुद आ जाता है सब कुछ। लोगों का रवैया ऐसा होता है कि बहुत खुश होते हैं, बस बहुत खुश होते हैं कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, निकी कर रहे हैं, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले उनके ख्याल में, जहन में नहीं आता कि यार ये काम करना चाहिए था, ये रेस्क्यू करना चाहिए था, उनको पहले से सोचना चाहिए, कॉल करनी चाहिए तक, लेकिन अब मैंने जो मेरे ये जो काम चला है तो मुझे बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों से, ये बड़ी बात है कि लोग वसीला बन गए हैं, किसी की तकलीफ़ दूर कर रहे हैं। मैं बिल्कुल टीम बनाऊँगा, देखिए मेरा जो मेन जो कॉन्सेप्ट है ना मेरा, वो डॉटर्स है, बेटी, क्योंकि मैंने देखा इस काम में, काइंडनेस में बेटियाँ बहुत आगे आगे हैं, और मुझे फ़ोन ही बेटियों के आते हैं उन, तो इसलिए मैं अपने जो ही बनाऊंगा वन मैन एम्बुलेंस का जो मैं ग्रुप बनाऊंगा, तो दफ्तर के नाम से ही मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लोगों के लिए भी काम कर रहा हूँ, खाने की सप्लाई और एक खाना रोज़ाना के नाम से, लेकिन मैं एनिमल्स के इसमें भी पूरा एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाऊँगा, मैं इन्वाइट करता हूँ पूरी दफ्तर को, तमाम दफ्तर को पूरे पाकिस्तान से, कि इसमें शामिल हों, जितने लोग शामिल होंगे उतनी भूख कम होगी, उतनी नेकियाँ फैलेंगी। देखने वालों को ये मैसेज है कि देखें, जो भी मेरे ग्रुप में शामिल होगा, या जैसे आपकी भी टीम है या आप लोग भी हैं, तो ये लोग शामिल हो गए नेकी में, मेरे इस काम को जितना आगे शेयर करेंगे, आपका नाम जितनी हम नेकियां करेंगे, आपके हिस्से की नेकी लिखी जाएगी, और आप इंशाल्लाह नेकी का पोटला लेके ऊपर जाएंगे।